फाइल्स, फिशर और फिस्टुला, ये तीनों चीजों में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोगों को एक ही रहता है कि जब टॉयलेट के रास्ते में ब्लीडिंग होता है तभी लोग उसको फाइल्स बोलते हैं, लेकिन वैसे नहीं है। फिशर ये जो है तकलीफ जो नॉर्मली बहुत लोगों में दिखी जाती है, इसका एक ही कारण है कि मतलब कॉन्स्टिपेशन, या फिर जब भी आप कब्ज की शिकायत जिनको होती है, या फिर ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है संडास करने के टाइम पे या टॉयलेट करने के टाइम पे, तभी उसके वजह से वहाँ जो स्किन होती है जो रास्ते में, तो वो थोड़ी सी फट जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैक्स, जैसे छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं उसको हम लोग फिशर बोलते हैं। मतलब उसके वजह से वहां पे दर्द भी होता है और थोड़ा सा खून, मतलब उसमें ज्यादा खून आता नहीं है, कुछ बूंदे खून की गिरती है जब भी आप टॉयलेट में जाते हैं तभी, इसको फिशर बोलते हैं, जब भी वो छोटे क्रैक्स जैसे हो जाते हैं। पाइल्स ये अलग चीज है, जिसमें आपकी खून की नसें अंदर की बढ़ जाती है तब उसको हम लोग पाइल्स बोलते हैं। फिशर एक अलग चीज है, पाइल्स एक अलग चीज है। जब भी वो एक्यूट फिशर हम लोग बोलते हैं, जब भी शुरुआती टाइम पे, मतलब जब भी अचानक से वो, जिस दिन आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं और तभी वो स्किन जब भी वो फट जाती है, तभी जो दर्द होता है वो काफी ज्यादा रहता है। इसके लिए नॉर्मली मोशन के जाने के बाद भी कुछ समय तक वो दर्द वैसे ही रहता है। ज्यादा दर्द होने के कारण लोग मोशन जाने के लिए भी अवॉइड करते हैं, और उसके वैसे और नेक्स्ट टाइम और ज्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा तकलीफ होती है, और उसके वैसे और धीरे धीरे तकलीफ वो बढ़ने लगती है और दर्द और ज्यादा बढ़ने लगता है। इसके और भी दूसरे कारण हैं, जैसे कि जैसे ये प्रेगनेंसी में ये काफी ज्यादा करके ये प्रॉब्लम होती है प्रेग्नेंट वुमन्स को, ये क्योंकि जैसे आपकी साइज धीरे धीरे जैसे आपका महीना बढ़ने लगता है, उसके वजह से फिर उसके प्रेशर के वजह से आपका टॉयलेट भी मतलब साफ होता नहीं है, मोशन क्लियर होता नहीं है, और उसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तभी आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है और ये सेम प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जिनमें लोगों में कुछ टीबी या फिर वैसे क्रॉन्स डिसीज हम लोग बोलते हैं कि एक तरीके के कुछ बीमारी है जो अतड़ी के बीमारी है, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। टीबी के पेशेंट्स रहते हैं या फिर ऐसे जिनको बाकी डिसीजेस है, क्रॉन्स डिसीज या इंटेस्टाइनल डिसीजेस हम लोग बोलते हैं, ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, ये पेशेंट्स में नॉर्मली फिशर दिखा जाता है। इसका परीक्षण मतलब जैसे हम लोग क्लिनिकली हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली मतलब टॉयलेट की जगह पे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ पे ब्लीडिंग किस वजह से हो रहा है, वहाँ पे कोई जख्म है या फिर वहाँ पे कोई मतलब जैसे कोई खून की नस है या फिर और कोई दिक्कत है, और वहाँ पे हम लोग एनल टोन देखते हैं कि मतलब जो संडास की जो जगह रहती है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कभी कभी टाइट रहता है जिन लोगों में, जिनको फिशर का प्रॉब्लम काफी टाइम से रहता है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग बोलते हैं कि कुछ महीने से या कुछ सालों से रहता है, तो ऐसे जगह पे वहाँ पे वो धीरे धीरे वो जख्म होने की वजह से वहाँ पे वो एरिया काफी ज्यादा टाइट हो जाता है, हम लोग उसको स्पाजम बोलते हैं, एनल स्पाजम, और इसी वजह से फिर उनको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ये हम लोग क्लिनिकली वहाँ पे देखते हैं, और उसी तरीके उससे फिर पता चलता है कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली फिशर है या पाइल्स है या और कोई चीज है। और इसका फिर जो इलाज है, जैसे मैंने बोला कि शुरुआत में जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है तब इसमें इलाज मेनली ये रहता है कि आपको कब्ज आपको अवॉइड करना है, तो उसके लिए आपको क्या चीज है कि जैसे आपको पानी ज्यादा पीना है, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर 5 लीटर तक आपको पानी पीना रहता है, जो नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं, लोगों का पानी पीना काफी कम रहता है। दूसरी चीज है कि बाहर का खाना जो हम लोग आजकल बोलते हैं फास्ट फूड, या फिर जो मैदा बेसन कंटेनिंग जो आइटम्स रहते हैं वो आपको खाने में अवॉइड करने हैं, बेकरी आइटम्स स्पेशली आपको अवॉइड करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स सलाड्स वगैरह आपके खाने में ज्यादा बढ़ाना है, खाना आपका टाइम पे रहना चाहिए। साथ में हम लोग मेडिसिन चालू करते हैं जिससे आपका जो टॉयलेट हो वो एकदम क्लियर हो, स्मूथली हो, जिसमें आपको जोर लगाना ना पड़े। साथ में हम लोग सीड्स बात मतलब जिसमें आपको एक टब में थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी लेकर उसमें सिकाई करना रहता है, और वहां पर लगाने के लिए कुछ मलम जिससे जख्म जल्दी भर सकते हैं। तो ये हम लोग शुरुआती तौर पे देते हैं, जो नॉर्मली हफ्ते या 2 हफ्ते तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसका ऑपरेशन भी वैसे देखा तो काफी माइनर सा ऑपरेशन बोलते हैं हम लोग इसको, एनल डायलेटेशन बोलते हैं, कि जब भी वो टॉयलेट की जगह काफी मतलब जब भी आपको ज्यादा दर्द हो रहा होगा और वहां पे जख्म हो जाती है, तो वो बेसिकली जब भी वो टॉयलेट की जगह काफी छोटी होने के कारण होता है, जो नॉर्मली काफी क्रॉनिक फिशर हम लोग बोलते हैं कि काफी टाइम से लंबे टाइम से पेशेंट को ये तकलीफ रहती है, तब उसके वजह से वहां पे स्पाजम होता है। तो वहां पे हम लोग सिर्फ अंडर एनेस्थेशिया वहां पे हम लोग डायलेट करते हैं, जिसके वजह से वो जो दर्द होता है वो एक ही दिन में चला जाता है, क्योंकि वहां की जगह काफी नॉर्मल जैसे हो जाती है, जैसे पहले चौड़ी थी उतनी चौड़ी हो जाती है, तो नेक्स्ट डे से पेशेंट का जो दर्द होता है जो बेसिकली टाइट स्पाजम के वजह से
वो दर्द पूरा चला जाता है और उसके वजह से जख्म भी जल्दी भर जाता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आता नहीं है, टॉयलेट स्मूथली हो जाता है, दर्द नहीं होता है, तो पेशेंट को जो एक टेंशन होता है कि अभी नेक्स्ट डे वापस मोशन के टाइम पे काफी दर्द होगा तो वो चला जाता है, तो उसके वजह से वुंड हीलिंग भी काफी अच्छे से हो जाता है। नॉर्मली जैसे इसमें जैसे मैंने बताया कि फिशर का जो सर्जरी है वो सिर्फ एनल डायलिटेशन है, तो अगर वो ऑपरेशन के बाद नॉर्मली 1 से 2 दिन में पेशेंट को काफी आराम हो जाता है, 1 से 2 हफ्ते तक वो जख्म भी जो रहता है वो भी भर जाता है, तो भाई नॉर्मली ऑपरेशन के बाद आप बोल सकते हैं कि रिकवरी पीरियड इज अराउंड 1 to 2 weeks, मतलब आप रूटीन काम अगले या 2 दिन के बाद आप चालू कर सकते हैं, उसमें ज्यादा तकलीफ होती नहीं है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम लोग जो बोलते हैं कि जब भी शुरुआती तौर पे जब भी ऑपरेशन की नौबत नहीं रहती है कि मतलब अगर वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, थोड़ा सा दर्द हो या फिर वो ज्यादा स्पाज़म नहीं हो, तो उसमें जैसे हमने बोला कि जैसे हम लोग दवाई चालू करते हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स चालू करते हैं, वहां पे लगाने के लिए कुछ ऑइंटमेंट्स रहते हैं जो उससे दर्द आपका कम हो, तो वैसे हम लोग चालू करते हैं। थोड़ा बहुत आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि बाहर के खाने में थोड़ा सा आपका थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, बाकी आपका रेगुलर डाइट तो आपका चलना चाहिए, और जैसे ये सब चीजों की वजह से नॉर्मली आपको 1 हफ्ते भर में आपको आराम मिल जाता है अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो करें, और अगर इसको आप रेगुलरली आगे भी अगर हमेशा भी फॉलो करेंगे तो ये फिशर की प्रॉब्लम वापस होने की चांसेस काफी कम हो जाती है। अगर इसमें समय पे इलाज ना करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे फिशर क्रॉनिक फिशर में डेवलप हो जाता है, वहां पे काफी ज्यादा स्पाज़म हो जाता है, तो उसके वजह से फिर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि मतलब इवन टॉयलेट में जाने के बाद बावजूद मतलब आफ्टर टॉयलेट फिर भी वो कंटिन्यूस दर्द रहता है। दूसरी चीज इसमें कि अगर उसमें जो जख्म हो जाता है तो वो जख्म में कभी कभी इन्फेक्शन, क्योंकि वहां पे मोशन की जगह पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो अगर वहां पे जख्म काफी ज्यादा बड़ी होगी तो उसमें फिर पस वगैरह बनने की उसमें चांसेस रहते हैं, जिसमें एनल एब्सेस हम लोग बोलते हैं। अगर एनल उसके भी बाद अगर बराबर से इलाज ना हो तो उसमें फिर वो आगे जाके फिस्टुला में तब्दील हो जाता है, कि जैसे वो अंदर पूरा एक ट्रैक जैसे बन जाता है और वहां पे काफी सारा पस कलेक्शन रहता है और उसमें फिस्टुला ये सब प्रॉब्लम आगे जाके हो सकते हैं। कि शुरुआत के टाइम पे जब भी हमको ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे अभी टॉयलेट के टाइम पे काफी दर्द हो रहा है या फिर ब्लीडिंग थोड़ा बहुत अगर हो रहा है, तभी अगर हम लोग कुछ कंट्रोल उसको मतलब ये ना होने से मतलब इसको होना नहीं चाहिए, इसके लिए हमको अगर कुछ कर सकते हैं जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग बोलते हैं, तो वो ये है कि अगर आपको थोड़ी भी अगर कब्ज की शिकायत हो, अगर थोड़ा भी आपको शुरुआत में लगा कि थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, टॉयलेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप पानी थोड़ा ज्यादा पी लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना गर्म पानी पी सकते हैं, पानी की मात्रा थोड़ी आपको बढ़ानी है, बाहर का आपका जो खाना रहता है फास्ट फूड जिसको हम लोग बोलते हैं वो आप अवॉइड करिए, बेकरी आइटम्स हम लोग जो बोलते हैं जो मैदा के जो बने हुए रहते हैं जिसमें ब्रेड आता है बिस्किट आते हैं, तो ये सब चीजें आप अवॉइड करिए, ज्यादा करके ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह आप ले लीजिए। फिर आप कोई मतलब जैसे स्टूल सॉफ्टनर्स हम लोग बोलते हैं कि जैसे मतलब मोशन स्मूथ होने के लिए वैसे दवाई आप ले सकते हैं। अगर ये सब होने के बावजूद अगर तकलीफ वैसे के वैसी रहती है तो आप किसी डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं।